मजे की बात ये है कि भाई साहब हमारी गाड़ी का एसी नहीं है, हम लोग जो है ना वो ऐसे ही चलाते हैं इसको फुल गर्मी में। अभी जो है तप रही है, कबाब बन रहे हैं अंदर बैठ के अपना भी हुआ था। अच्छा एक और सीन है भाई, एक और वजह थी रमजान में आखिरी अशरे में जो है ब्लॉगिंग को स्टॉप करने की वजह ये भी थी कि यार मैं जो है ना मेरी रूटीन बड़ी हैवी किस्म की ख़राब हो गई थी। लाइक मैं लिटरली जो है ना 4 घंटे सो रहा था दिन के, मैं बता रहा था मैं आके ऑफिस के यार मैं आज 3 घंटे सोया हूँ 4 घंटे सोया हूँ। तो 20-22 दिन वो रेगुलर करने की वजह से ना आखिरी एक हफ्ता ऐसा मेरा हैवी किस्म का गुजरा कि आई वॉज लाइक कि मैं अभी नशे में हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग, खैरियत से हैं? तो आज है ईद के बाद पहला दिन, ईद की छुट्टियों के बाद आज फर्स्ट डे ऑफिस का, और बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है इस तरह उठ के जाना ईद की छुट्टियों के बाद। और उसके अलावा अगर आपने ईद पे फन किया हो और सारा कुछ हो तो आप थोड़ी सी आपके पास इनक्रेज हो रहे हो, तो आप थोड़ी सी करेज होती है कि यार जाते हैं ठीक है खैर है अब रूटीन में वापस जाना है। लेकिन अगर आपकी ईद बीमारी में गुजरी हो और आपने जो है वो थ्रू आउट द ईद जो है वो अपना बेड ना छोड़ा हो, तो फिर भाई मेरे वाला हाल होता है। आज बिल्कुल दिल नहीं कर रहा जाने का और जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन अब करना है तो जाना है तो ज़रूरी है। खैर एनीवेज इंशाल्लाह अभी से रूटीन जो है वो दोबारा स्टार्ट हो रही है ईद के छुट्टियों के बाद, और रूटीन को जो है वो साथ साथ लेके चलेंगे। गर्मी जो है वो बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, अब गर्मी के दिन है तो सारा केयर भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो आई हैव आ गया मेरा पर आ गया मेरे पास, और ये पहनूंगा ताकि बाजू खाली ना हो, और मास्क वगैरह लगाऊंगा क्योंकि फ्लू वगैरह हुआ हुआ है और बहुत हैवी किस्म का सीन चल रहा है वो वाला भी। हेलमेट लेंगे, अभी जो है घर से निकलने का टाइम हो गया, कोई 5-7 मिनट रह गया, मैंने सोचा कि आज का ब्लॉग स्टार्ट करते चलते हैं। तो जी आज का ब्लॉग हो गया है स्टार्ट, तो आप लोग जो है वो लाइक करें चैनल को और सब्सक्राइब करें, उसके अलावा बेल आइकन को भी जो है वो क्लिक करें। और इट्स अ रिक्वेस्ट, आई नीड सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को पता है भाई कोशिश कर रहा है, तो भाई को सपोर्ट करें, मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के सपोर्ट से, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। ग्रेजुअली हो रहा है काम, लेकिन थोड़ा सा फास्ट होगा तो ज़्यादा जो है मज़ा आएगा। खैर अभी इंशाल्लाह चलते हैं तो ऑफिस की तरफ, ऑफिस जाके आप लोगों से थोड़ी सी गपशप और लगा लेंगे और आपको फजील से भी मिलवाएंगे ईद के बाद क्या उसके तासुरात हैं, क्या सीन है। खैर वो हमेशा चिली होता है, उसको उतना खास फ़र्क नहीं पड़ रहा होता किसी भी चीज़ से, लेकिन फिर भी उसे बातचीत करेंगे, गपशप लगाएंगे, जाके देखेंगे ऑफिस में क्या करना है। अभी के लिए ओवर एंड आउट। हेलो जी, वेलकम बैक, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं सब लोग, खैर खैरियत से हैं? एक मिनट ज़रा शीशा उठा लें थोड़ा सा, बाहर से आवाज़ें काफ़ी ज़्यादा आने वाली हैं। यार आज सीन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो हैं ऑफिस में अभी तक तो सो फार सो गुड चल रहा है सीन सारा, और फजील जो है लकीली आज गाड़ी पे आया था। तो वैसे तो मेरा है कि मैं यार चलता हूँ इस बात को लेके कि भाई जाएगा तो चलाएगा, लेकिन अभी जो है आप लोगों से गपशप लगानी थी, बातचीत करनी थी, काफ़ी दिन हो गए हैं नहीं की, ईद पे भी जो है वो गायब रहा हूँ मैं, व्लॉग श्लॉग नहीं बना सका। तो उसकी वजह ये थी कि यार पहले दिन ही तबीयत ख़राब हो गई थी, आप लोगों को बताया था मैंने फ़र्स्ट डे का व्लॉग ज़रूर जो है वो अपलोड किया था, लेकिन बाद में नहीं कर सका। उसकी वजूहत थी कि बीमार था, तबीयत ख़राब थी, बुखार था, कफ था, फ्लू था, सारा कुछ था, तो तबीयत बड़ी आवाज़ार थी। और रमज़ान में भी जो है आखिरी अशरे में मैं गायब रहा हूँ, उसकी वजह ये थी कि यार थोड़ा सा ना डीमोटिवेटेड सीन चल रहा था काफ़ी व्लॉग्स वाले हवाले से और यूट्यूबिंग के हवाले से, काफ़ी दिल बर्दाश्त हुआ हुआ था मैं। खैर एनीवेज़ अभी जो है हम लोग लंच के लिए निकले हैं, मैं घर से कुछ नहीं लाया था लंच के लिए, दिल नहीं था कुछ भी, लेकिन फजील ने जो है वो प्लान बनाया, तो हम लोग जा रहे हैं सबवे की तरफ। फजील को मैंने कहा भाई अब तुम चलाओ क्योंकि मैंने वीडियो बनानी है और व्लॉगिंग अब जो है वो इंशाल्लाह कंसेक्टिवली स्टार्ट करनी है। कोशिश तो होती है यार कि करें करें करें, लेकिन होता है कि किसी ना किसी वजह से कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो मिस हो रही होती है। खैर एनीवेज इंशाल्लाह ताला आगे इसको लेके चलेंगे और ज़रूर जो है इसको कंटिन्यू रखेंगे, मसला कोई नहीं है। फजील भाई जो है वो बिल्कुल मेरी तरह की ड्राइविंग कर रहे हैं, और खैर जब खुद करो कुछ नहीं होता, कोई और कह रहे तो पता चल रहा होता है, लेकिन भाई को मेरी ड्राइविंग पे फुल कॉन्फिडेंस है, ये आराम से बैठता है, इसको पता है कि अगर ये भगा भी रहे तो ही कैन कंट्रोल द कार, और अच्छा कंट्रोल है, लेकिन बस अल्लाह खैर करे।
एनीवेज अभी हम लोगों ने जो है वो एक क्विक सर्विस वाला सीन किया कि हम लोग जो है ऊपर से घूमने की बजाय एक शॉर्टकट लेके आ गए हैं, जिससे हम लोग जल्दी आ गए हैं। मिल कोई जो है ना इशारा वगैरह भी नहीं अभी करना पड़ा क्रॉस। इससे ज़्यादा मज़े की बात यह है कि भाई साहब हमारी गाड़ी का एसी नहीं है, हम लोग जो है ना वो ऐसे ही चलाते हैं इसको फुल गर्मी में। अभी जो है तप रही है, कबाब बन रहा है अंदर बैठ के अपना। मैं तो भाई दुआ कर रहा हूँ कि जल्दी जल्दी ये सही चला रहा है, फास्ट चला रहा है, सही चला रहा है, जाके आराम से एसी में तो बैठेंगे। यहाँ पे तो भाई गाड़ी में बहुत बुरे हालात हो रहे हैं, एसी सही करवाना है। और ये हम पिछली गर्मियों से सुन रहे हैं तो फजील से पूछते हैं, फजील क्या कब करवाना है यार? बस वो कुछ बीच में काम पड़ गए थे और वो दूसरी गाड़ी का भी ठीक करवाना है। हाँ, दूसरी गाड़ी का क्या बना है? होगी सही करवाना है। अच्छा, एक साथ काम करवाना है, देर लग रही है। वरना तो मैं कह रहा था कि बाबू के करवा लेते हैं इससे, इसका मैं करवा लूँगा। वो कह रहे नहीं, उन्होंने किसी अपनी वो मर्जी के किसी मैकेनिक को दिखाना है, तो वो अपनी गाड़ी भी साथ लेके जाना चाह रहे हैं। सही तो यार, इस वीकेंड पे करवा लो क्योंकि गर्मी आ गई है और हम लोगों के जो है ना गाड़ी पास हो तो सीन ऑन ही होते हैं, तो फिर जो है मुश्किल हो जाएगी। एनीवेज अभी जो है आज का दिन जो है बड़ा अच्छा गुजर रहा है, अल्लाह का शुक्र है। काम भी जो है वो नॉर्मल है जो करते हैं, लेकिन दिमाग जो है ना वो छुट्टियों के बाद एकदम से पुश स्टार्ट देना पड़ता है उसको करना पड़ता है भाई ज़बरदस्ती के साथ कि यार उठ जा भाई काम कर, क्योंकि वो बिल्कुल जो है ना सुस्त हुआ होता है। तो कभी दो चार घंटे तो उसको जगाने में लगेंगे, उतनी देर में लंच ब्रेक हो जाती है, लंच ब्रेक के बाद जो है वो खा पी के नींद आ रही होती है। पर नींद में काम करने का जो मज़ा है ना, क्या ही बात है। तो अभी ये सीन्स है, नींद में कुछ भी हो, हम लोग जो है वो तकरीबन सबवे पहुंच गए हैं। बड़े अरसे बाद सबवे जा रहे हैं यार, मैं जाना चाह रहा था लेकिन अकेले मुझसे कहीं नहीं जाया जाता। मेरा अल्फ्रेडो खाने का इतने दिल है, कितने दिन से ही, रमज़ान से, लेकिन अकेले मुझसे कहीं नहीं जाया जाता। आई कांट ईट अलोन, तो मुझे आदत है किसी कंपनी की आदत है ब्रो, नखरे नहीं है, क्या हो गया, कंपनी की आदत है। मैं चाह रहा होता हूँ कि कोई मेरा दोस्त, कोई यार, कोई बिल्ली, कोई साथ रहे भाई जान। फिर चास आती है ना हर चीज़ की, ज़िंदगी में साथी होना चाहिए ज़रूरी। तो एनीवेज सबवे में हम लोगों ने वही अपना जो है वो रेगुलर हम लोग करते होते हैं, हाफ फुट करना नहीं, फुट लॉन्ग ज़्यादा हो जाएगा मेरे लिए। आई एम ऑलरेडी जो है वो बीमार। मुझे तो भूख लग रही है, भूख तो मुझे भी लगी है, मैं पैक करवा लूँ। चलो देखते हैं, करते हैं, चेक करते हैं। अभी गाड़ी खड़ने के लिए जगह ढूंढो, मैंने थंबनेल भी बनाना है, फोटो खिंचवानी है। यार रिवर्स में नहीं थी लगती, पता नहीं, करोला हमें याद आती रहती है ब्रो, करोला क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक हैं, ईद मुबारक ईद के बाद क्या लेना है यार? क्या क्या कौन से फ्लेवर हैं? पेरी पेरी साउंड्स गुड। और ये भी है, स्टेक एंड चीज़ है। ये उसका फोटो कितने का फुट लॉन्ग ब्रो? Way out of your league. वो तो लाइक कोई भी नहीं हो, महंगा यार। पेरी पेरी साउंड्स गुड। वो आप लोगों की ऑफर चल रही थी वो 549 वाली, वो खत्म होगी? खत्म होगी वो, दो किस दिन की थी वो? तीन मार्च पे चली है। और फुट लॉन्ग करते फिर जो नॉर्मल ब्रेड है और एक एनो वो करते हैं। वैसे फुट लॉन्ग की प्राइस क्या? चिकन कितने की है? चिकन बताएंगे चिकन पेरी पेरी कर 13 है, 13 का। मैं तो हाफ ही ले रहा हूँ। ब्रेड और ओरिगैनो कर दें और मेरा हाफ कर दें पेरी पेरी, उनका फुट लॉन्ग कर दें। कौन सा? ओरिगैनो। ओरिगैनो कर दें आप? एक ही दो 6 इंच चाहिए? नहीं, एक फुट लॉन्ग चाहिए, एक 6 इंच चाहिए।
छीन ले ली है, लेकिन इनकी सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ पता क्या लगती है मुझे, यहाँ पे कोई होता नहीं है। हम लोग जितनी बार भी आए हैं ना भाई साहब यहाँ पे कोई नहीं होता, तो बड़ा अच्छे सीन है, आराम से बैठो, गपशप लगाओ, जो बात दिल करता है बात करो, और जो है ना चिल से आराम से अपना घंटा गुजार के यहाँ से जाओ, कोई टेंशन ही नहीं है। और फदील भाई ने मुझे धोखा दिया, कैसे इन्होंने जो है वो मेरे पैसे मार लिए। आई ओनली हैड 1000 रुपीज नोट, एक ही था जेब में और इसने वो ठग लिया। चलो खैर अभी खाते हैं और फिर थोड़ी सी गपशप लगाते हैं, फिर करते हैं कुछ, क्या करना है, कुछ नहीं करना, काम करना है जाके। बड़ी यार अब बोरियत हो जाती है ना इतनी छुट्टियों के बाद काम पे आओ ना, मेरा तो मैं रात में तो यार क्या मसला है, अजीब जो है ना वो कैफियत हुई हुई थी कि नहीं जाना काम पे, नहीं जाना। अब मैं छुट्टी करने आया फिर मुझे याद आया कि इन लोगों ने ईमेल की हुई है, जिसने आज ऑफ किया भाई उसके सारे उसके थ्रू आउट द वीक के पैसे कटेंगे, 6 दिन ही है, 6 दिन का नुकसान ही ना कर सकते फिर असी। सिक्स इंच लेने का जो है वो डिसीजन थोड़ा सा गलत हो गया, भूख ज़्यादा लगी हुई है, आई थॉट के काम बन जाएगा लेकिन नहीं बना, तो लेट्स सी अभी क्या करना है। फिलहाल तसल्ली हो गई है, तसल्ली ही हो गई है तो भाई दिन भी गुजर ही जाएगा, घर जाके खाना खाएंगे आराम से। फजील ईद कैसी गुजरी है? क्या क्या किया? खाने खाए हैं, मूवीज देखी हैं। अच्छा दोस्त शोस्त से मिल गया। अच्छा दोस्त आ गए थे, कजन्स वगैरह से ज्यादा मिला। हाँ बस पता ही नहीं चला ईद का गुजर भी गई है। हाँ गुजरी बहुत जल्दी है, पता क्या वजह थी, वो जो एक छुट्टी पहले मिल गई ना ईद से वो रीज़न थी सारी, ईद जो एक दिन लेट हो गई। अगर ईद 29 रोज़े होते तो ईद एक दिन पहले होती तो आज 2 दिन की छुट्टी होती ना पीछे, तो फिर वो ज़्यादा प्लान्स बन सकते थे। लेकिन खैर चलो एक दिन से क्या फ़र्क पड़ जाना था, छुट्टी 2 दिन की मिली है बेसिकली। हाँ फ्राइडे की और ट्यूसडे। खैर कोई नहीं, ईद पे अब्बा कौन सा इस्लामाबाद रहते हैं जो ईद पे आ जाएंगे और वापस चले जाएंगे, अब्बा ने आना है बड़ी ईद पे इंशाल्लाह। मनी ट्रांसफर कर दिए थे? हाँ भेजे थे उन्होंने किसी के हाथ। बचाए हुए पैसे या खर्च किए? ब्रो मुझे पूछ रहे कि यार तुम्हें यूरोज में ईदी मिली है, क्या किया है उनका, क्या सीन था, तो वो मैं से बता रहा हूँ कि भाई वो मिली तो है लेकिन वो जो है वो देयर वाज अ स्टंट दैट आई डिड, क्योंकि मज़ा आ रहा था। खैर यार ईदी तो थी उसमें मेरी, लेकिन सिर्फ मेरी नहीं थी, वो सबकी थी ओवरऑल, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और मेरे जो मिले थे वो आप लोगों के सामने ही थे। मैंने ईद पे अच्छी खासी ईदी बर्थडे है, अच्छी खासी से मुराद अच्छी खासी है, क्योंकि भाई मैं बड़ा हूँ तो हर किसी ने जो है ना मुझे लूटा, और फिर बड़ों को तो देनी होती है, तो दादी से लेकर जो है ना अपन घर में सबसे छोटे बंदे तक सबको ईदी दी है। ठीक है तो ये सीन था। खैर
गुजर गया। बड़ा फन होता है, यही दिन होते हैं यार, ये चीज़ देनी चाहिए बंदे को, क्या सीन है। और मेरी एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन हुई है आप लोगों के सामने, मैं जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो बोल रहा हूँ और बहुत ज़्यादा जो है वो भाईजान क्या कहते हैं उसे यार, एनर्जी लेस के लिए मैं वर्ड यूज़ करो बताओ मुझे। लेथार्जिक, स्लो, स्लो डाउन, उसके बाद पता नहीं क्या 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 वो हुआ। एनीवेज बाहर धूप होता है, यहाँ पे सुकून है, हम लोगों ने आगे जो है ना वो एसी खुद ही चलाया। टाइम क्या हो गया वैसे, आधा घंटा है अभी हमारे पास, हम लोग बड़े आराम से बैठे हुए हैं और कॉफ़ी शॉफी वाले सीन अब ख़त्म हो गए क्योंकि सर्दी चली गई है, तो चाय पे ही गुजारा करना पड़ेगा, जो ऑफिसर मिलती है बस उसी पे जो है वो गुजारा करना पड़ेगा क्योंकि वो कॉफ़ी पियेंगे तो ऑलरेडी जो है ना वो मेरा जो स्टमक है वो प्रॉब्लम कर रहा है, तो मज़ीद जो है वो मेरे लिए मसले मसाइल पेश आएंगे, तो मैं नहीं चाह रहा कि ये सारा कुछ हो। फजील जो है वो कॉफ़ी डेली यूज़ करता है तो इसके लिए तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं होगी, ऐसे ही है। तो आज पी के आए हो कॉफ़ी? आज नहीं पी के आए, क्यों? लेट हो रहा था, लेट हो रहा था ये बंदा ऑलरेडी जो है घंटा लेट है और ये भी लेट हो रहा है, आधा घंटा लेट है, साढ़े कहना है आधा घंटा लेट आया, लेकिन एज यूजुअल रिवायत के मुताबिक फजील भाई लेट थे। ऑफिस वालों ने जो है वो पैर पकड़ छोड़े हैं, सारा कुछ कर छोड़ा कि भाई तुम्हारी मेहरबानी जल्दी आ जाओ, लेकिन ना 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 फजील को फजील बोलेगा कौन अगर ये जल्दी आ जाएगा। खैर एनीवेज अभी रूटीन चल पड़ी है तो इंशाल्लाह वो आगे आगे फिट भी हो जाएगी। ठीक है यार, करना तो आया काम, क्या मसला है, बस थोड़े बंदे आप थोड़ा सा मोटिवेटेड हो के उठे। ऊपर से वजह ये है कि रमज़ान में जो है ना रूटीन बिल्कुल आउट हुई थी और ईद में मज़ीद आउट, लाइक अगर रमज़ान में मैं सो रहा था एक दो एक बारह एक बजे सो जाता था, फिर सहरी टाइम के लिए उठ जाता था और सहरी टाइम उठ के सहरी करके नमाज़ पढ़ के फिर सो जाना, उठ के फिर नौ बजे तकरीबन ऑफिस के लिए रेडी होना होता था, ये सीन सर। ईद वाले दिनों में भाई सुबह पाँच छः बज रहे हो रहे थे, बिल्कुल रूटीन जो है वो ख़त्म हो गई है। आज मैं उठा हूँ, नींद मैंने पूरी ली है, मेरा ख्याल है मैं रात को एक बजे सोया हूँ और दोबारा सुबह से नौ बजे उठाऊँ मैं, आठ घंटे हो गए, लेकिन वो जो पिछले दिनों की नींद थी ना पूरी हुई वो तंग कर रही है बीच में आके। खैर एनीवेज उसको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। और मज़े की बात यह है कि भाईजान इस वीकेंड पे जो है वो है दोस्त की शादी, हसन भाई की शादी है, बहुत सारे व्लॉग्स में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका हुआ है, लेकिन हसन भाई ने क्या किया है अभी तक इनविटेशन ही नहीं दिया। लाइक ज़ुबानी तो उन्होंने बोल दिया कि यार तुम लोग आ रहे हो, ऑब्वियसली तुम लोग आ रहे हो, लेकिन मैं उन्हें अभी मैसेज करने वाला हूँ कि भाई कोई रिटर्न में बताओ, हमारे पास सबूत होना चाहिए कि आपने हमें शादी में बुलाया है। सही कह रहा हूँ ना, ऐसे तो फिर अच्छा नहीं लगेगा जाना, क्या ख्याल है? यार हमारा भी एक प्लान था ना फजील वहाँ पे जाने का, डिसोंग वो कब एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी कोई है अनकरीब सैलरी आने पे चलेंगे? नेक्स्ट वीक आ जाएगी? नहीं, नेक्स्ट से नेक्स्ट वीक आएगी मेरा ख्याल है, वो वीकेंड बन रहा है, सैलरी डे पे वीकेंड बन जाता है, ये अजीब वो है मसला। खैर यार हमारे गरीबों के प्लान इसी तरह के होते हैं कि हम लोग जो है वो सैलरी आने का इंतज़ार करते हैं और फिर आते साथ ही उसको उड़ा देते हैं, फिर पूरा महीना चुप करके बैठ जाते हैं और फिर सैलरी आने का इंतज़ार करते हैं, फिर आते साथ उसको उड़ा देते हैं, यही रिपीट होता रहता है और यही ज़िंदगी है, दिस इज़ लाइफ। खैर एनीवेज यूट्यूब जो है वो उसको मज़ेदार तरीके से लेके चलने का तरीका, दिल तो बड़ा कर रहा है मेरा, मैं यार यकीन करो बहुत ज़्यादा डाउन हुआ था, ऐसा कोई डीमोटिवेटेड हुआ था ना यूट्यूब को लेकर ना पिछले दिनों, उसकी वजूहत थी कि एक तो तबीयत इजाज़त नहीं थी दे रही, सेकेंडली जो है ना मुझे लग रहा था कि यार मैं क्या करूँ, मुझे यार मैं गलत कुछ ना, मैं जो ब्लॉगिंग का जो अपना मेरा नीश है ना जो जॉनरा मैंने सिलेक्ट किया हुआ फजील एक्चुअली उसका सीन ये है कि मैं जो है ना उसको सही तरह से लेकर नहीं चल रहा था। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा था कुछ दिन बैठ के कि मैं गलतियाँ कहाँ पर कर रहा हूँ और उन गलतियों को जो है ना सुधारने की अब कोशिश करूँगा आने वाले व्लॉग्स में। उसकी वजह यह है कि मैंने जो नीच सेलेक्ट की हुई थी, जो मेरा योनरा था ना, मेरे टाइटल्स उससे रिलेवेंट नहीं थे जा रहे, ठीक है, मतलब मैं अगर लाइफस्टाइल कर रहा हूँ ना तो मुझे उसको लाइफस्टाइल वाले वे में टाइटल्स लिखने हैं, एक्सेप्ट फॉर गोइंग जेनेरिक, ठीक है, और जो है ना बिल्कुल ही कुछ सादा वो करने की बजाय ना कुछ इस तरह का कि यार लोगों को पता चले कि हाँ आज मेरी ज़िंदगी में जो है ना ये सीन हुआ है, तो आज मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ है, रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो गई है।
आज जो है वो रूटीन दोबारा से स्टार्ट हो गई है, तो दिस इज लाइफ, दिस इज लाइफस्टाइल व्लॉगिंग और ये सीन है। गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, नहीं गेटिंग बैक ऑन ट्रैक, वही फिर वही बात आ जाती है कि इस तरह का टाइटल भी जो है ना वो आम बंदे के लिए नहीं है, ठीक है। लाइक आई एम, मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो मैं बना रहा हूँ कि यार हर बंदा देखे, जिसको नहीं ना पता कि गेटिंग बैक ऑन ट्रैक का मतलब क्या है वो भी देखे, ठीक है। लाइक ऑल स्किल्स एट एवरी लेवल, हर बंदा देखे। मैं ये चाह रहा हूँ उसका क्या होएगा, उसका ये होएगा कि भाईजान जो है वो रूटीन में तो आ रहा हूँ, देख अब तुझे पता है मुझे पता है, ठीक है ठीक है। अब जो बच्चा अभी स्कूल लेवल पे है जिसने व्लॉग्स देखे, वैसे तो मेरे व्लॉग्स मैंने अभी तो वो रिस्ट्रिक्टेड ही रखे हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो बच्चा अभी छोटे लेवल पे है वो देखेगा मेरे व्लॉग्स, उसको अभी उस लिहाज से इस एडीएम की है, इस सेंटेंस की है, इस फ्रेज की उतनी समझ नहीं आएगी, तो वो या तो स्किप कर दे या फिर जो है हाँ वो ऊपर से मजीद जो जो आंटियाँ हैं हमारे घर की या जो फीमेल्स हैं जो सारा कुछ जो ड्रामा वगैरह देखती हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग दरअसल उनके लिए है। मैंने माँ सफर का दरअसल ना पिछले दिनों इंटरव्यू देखा है, उसने अपनी जो है ना ऑडियंस उनको डिफाइन किया था कि वो कौन है, तो मैं चाह रहा हूँ मेरी ऑडियंस भी ना उसी कैटेगरी की हो, तो फिर मतलब तो उस कैटेगरी में जाने के लिए हमें जो है अपने टाइटल्स को, अपने थंबनेल्स को, इन सब चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ेगा, अपनी वीडियोस को जो है वो स्टिक टू द पॉइंट रखना पड़ेगा, जो बस डेली की रूटीन है उस पर, तो डेली की रूटीन तुम्हारा वैसे डेमोग्राफिक तो बंदों का ही बनता है। वाई यार, क्योंकि वो इस तरह के है ना शुगर मेलर टाइप है तो फिर ज़्यादा बंदे ही देखते हैं उसको। वही ना, मैं अब उस वही चीज़ देख रहा था कि मैं अपनी लैंग्वेज को भी थोड़ा सा ना जो है मेरे ब्लॉग्स की लैंग्वेज को उसको भी रिस्ट्रिक्ट करूँगा। कोशिश करेंगे, मेरे दोस्त बाद नहीं आते लेकिन ना फिर भी हम लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, लाइक आपस में शुगर मेला लग रहा है वो लग रहा है लेकिन उसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो किसी को जो है ना ना क्या होता है यार, उर्दू ऑफेंड, मुझे पता है ऑफेंड उर्दू में क्या होता है, वो ना गजीर, ना गजीर गुजरे कैसा है। खैर एनीवेज, अभी जो है हम लोगों ने ये हालात किए हैं सबवे के, ये फजील भाई हैं, ये इनका है, ये मैं हूँ, वो नहीं ये मेरा है और ये मैं हूँ। खैर चल रहे मर्जी, टेबल टेनिस में कोई मूड नहीं है मेरा आज, क्योंकि बॉल्स उसकी ख़राब हो गई हैं, अभी उसको कहता हूँ जाके बॉल्स ला दे फिर खेलेंगे, कल कल से स्टार्ट करेंगे, वैसे भी आवाम बहुत ज़्यादा है वहाँ पर यार, वो बारी आने में टाइम लग जाता है। यार रश के हालात चेक करवाऊँ आप लोगों को, लुक एट दिस, रश के हालात हैं ये, देखो कितना रश है, चेयर्स ही चेयर्स हैं हर तरफ। और ये फजील बैठा है, ये मैं बैठा हूँ और हम दोनों हैं, मैं हूँ, मेरे साथ फजील है और बस। हाँ 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 हाँ, और क्या चाहिए तुम्हें, काफ़ी नहीं हूँ, नहीं यू आर नॉट इनफ। क्या किया है इनफ को करने के लिए, आई एम गेटिंग मैरिड यार। अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो रिश्ते की बातें शातें चल रही हैं और भाई जो है आपका वो जल्दी जल्दी जो है ना इंशाल्लाह ताला वो मैरिड होने वाला है, अभी कोई नहीं पता, जल्दी जल्दी बोल तो रहा हूँ, एक्सपेक्टेड जो है वो बता रहा हूँ लेकिन अभी कोई सीन्स इस तरह के नहीं है, अभी सिर्फ बात चल रही है और इंशाल्लाह जैसे जैसे बात आगे बढ़ेगी आप लोगों को भी बताएंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे और बस अभी फिलहाल ये सीन चल रहा है लाइफ के कि ये चल रहा है। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है वो कोशिश करनी शुरू की हुई है कि इसके अलावा भी फ्रीलांस वाला काम जो है वो शुरू किया जाए। यार फ्रीलांस फजील कभी किया? मैंने नहीं किया फ्रीलांस अभी तक, कर लो आसान है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बने यार आसान तो है, ठीक है आपके पास आ गई है डील वो आसान है, डील लेना मुश्किल है, ठीक है। मैं कल तीन चार प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के भाई साहब देखता रहा हूँ कि कोई हिसाब किताब लगे लेकिन कोई चक्कर नहीं है, इतना रशी काम है, इतना सैचुरेटेड हुआ पड़ा है सब कुछ कि आपको समझ ही नहीं आ रही होती, आपकी जगह ही नहीं है और मेरे जैसे न्यूबी की तो बिल्कुल जगह नहीं है, खासतौर पर ये फाइबर और अपवर्क वगैरह वाले प्लेटफॉर्म्स पर, तो नया कुछ प्लेटफॉर्म ढूंढना पड़ेगा, उसी पर कुछ हाथ पाँव मारना पड़ेगा मेरा ख्याल है, तो करना है करते हैं यार, मैं हमेशा कहता हूँ करना है करते हैं और फिर एंड पे जो है भूल जाता हूँ लेकिन अभी जो है ना क्योंकि थोड़ा थोड़ा वो माइंडसेट होना शुरू हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने वाली है तो भाईजान मेहनतें जो है वो ज़्यादा करनी पड़ेंगी,
तो हर चीज़ को साथ लेके चलना है, यूट्यूब को भी लेके चलना है, अपनी रूटीन लाइफ को भी लेके चलना है, फिर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना है, ठीक है, उसके अलावा एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करनी है, तो ये सारा कुछ करना है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हिम्मत दे, अल्लाह ताला ही हिम्मत देता है। आप लोगों का सपोर्ट होगा, आप लोग जो है वो मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जो है मेरी वीडियोज़ को अच्छे अच्छे कॉमेंट्स मेरी वीडियोज़ पर देंगे, तो मैं जो है मोटिवेटेड होता रहूँगा और जो है इस चीज़ को इंशाल्लाह आगे लेके चलूँगा। लेकिन जो है भाई साहब बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है अभी तक तो मेरे लिए, क्योंकि यार रमज़ान में यह भी हुआ था। अच्छा एक और सीन है फजी, एक और वजह थी रमज़ान में आखिरी अशरे में जो है ब्लॉगिंग को स्टॉप करने की वजह यह भी थी कि यार मैं जो है ना मेरी रूटीन बड़ी हैवी किस्म की ख़राब हो गई थी। लाइक मैं लिटरली जो है ना 4 घंटे सो रहा था दिन के, तो मैं बता रहा था मैं आके ऑफिस के यार मैं आज 3 घंटे सोया हूँ 4 घंटे सोया हूँ, तो 20-22 दिन वो रेगुलर करने की वजह से ना आखिरी एक हफ्ता ऐसा मेरा हैवी किस्म का गुजरा कि आई वॉज लाइक कि मैं अभी नशे में हूँ हर वक्त ही ना, ठीक है। हाँ समझ नहीं आ रही यार, आप अपनी जो कॉन्शियस खो देते हो ना, आपको पता नहीं चल रहा होता क्या हो रहा है, क्या सीन था क्या नहीं है। मुझे समझ नहीं थी आ रही, मेरी नींद नहीं थी पूरी हो रही, ठीक है, नींद ना पूरी होने की वजह से दिमाग बंद हो जाता था, दिमाग बंद होने की वजह से बॉडी में बिल्कुल डाउन हो रही थी, अजीब जो कैफियत थी। लेकिन मैंने उस चीज़ को ईद पर पूरा कर लिया थोड़ा बहुत, लाइक ईद में भी जो है वो कोशिश की है, लेकिन उस हिसाब से नहीं हुआ। अभी ये वाला जो वीक है ना इसी तरह गुजरेगा तंग होके कि जल्दी सोना है फिर लेट उठना है, और जो है 8 की बजाय 12-12 घंटे की नींद भी लेनी पड़ सकती है लाइफ में वापस आने के लिए, रूटीन में वापस आने के लिए, और अपनी जो है ना हर काम को जो है एक ट्रैक पे लाने के लिए। खैर अभी जो है हम लोग ऑफिस में करें और ऑफिस जाके क्या करना है हमने काम, ऑफिस से छुट्टी होगी रात को कितने बजे, 8 बजे 9 बज जाएंगे घर जाते जाते। फजील के पास आज गाड़ी है तो ये भी जल्दी पहुंच जाएगा, अदरवाइज भाई साहब वॉक करते हैं, इनको मैं रास्ते में तो आ जाता हूँ, तो भाई यहाँ से वॉक करके अपने घर जाते हैं, और मुझे लग जाता है 45 मिनट तकरीबन लग जाते हैं घर जाके। इंशाल्लाह आप लोगों से बातचीत होगी, अभी के लिए जो है वो ओवर एंड आउट, टेक केयर। हेलो जनाब, वेलकम बैक, की हाल चाल है, ठीक ठाक हो सब लोग, खैर खैरियत से हैं। अभी हम लोग आ गए घर और एनर्जी चेक कर रहे हो आप, ये एनर्जी पता क्या है, ये मैंने आगे जो है माशाल्लाह पेट भर के खाना खाया और फिर जो है वो ये एनर्जी आई है भाई साहब, वरना सारा दिन जो है वो सिर्फ वो सब्वे खाया हुआ था 6 इंच, और उसके बाद जो है भूख लगी है खासी, रास्ते में सर दर्द हो रहा था भूख की वजह से काफ़ी ज़्यादा, आते साथ ही रोटी खाई है, खाना शाना खाया है, चने माश की दाल बनी हुई है, साथ में जो है वो पराठा खाया है, तो बहुत मज़ा आ गया, मज़ा इस लेवल का आ गया कि आप एनर्जी चेक कर रहे हो भाई की। तो अभी तक जो है वो जिम का प्लान नहीं बना, तलहा को मैंने मैसेज नहीं किया अभी, क्योंकि मेरी सनान के साथ लड़ाई हो रही थी, उसने मुझे एक फ़िल्म कराई थी और मैं उस फिल्म को उस पर लड़ रहा था, खैर वो अभी अपोलोजाइज कर रहे तो उसको माफ़ नहीं कर दिया गया। खैर अभी जिम जाने का प्लान बनता है तो उसको भी एड ऑन कर लेंगे अपनी रूटीन में, लेकिन अभी जो है ऐसे तलहा ने कोई मैसेज नहीं किया क्योंकि वो भी बिज़ी है, जाहिर है उसके भाई की शादी से कि जो है तैयारियाँ चल रही हैं, प्रोग्राम चल रहे हैं, घर में मेहमान है तो वो बिज़ी चल रहा है। पूछता हूँ अभी उससे जाना है कि नहीं जाना, लेकिन आप लोगों से जो है वो आज के लिए इजाज़त लेते हैं, अपना ख्याल रखिए, अपने गिरदनमा का ख्याल रखिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।